जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरा T20 मुकाबला जो भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में आज खेला जाने वाला है, उसी के बारे में कि उसकी क्या लाइव अपडेट है और साथ में क्या भारतीय टीम आज आप सभी को नई एकदम दिखाई देने वाली है। तो पूरी डिटेल जानकारी इस मुकाबले से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि दूसरे T20 मुकाबले के स्थगित होने के बाद पृथ्वी शॉ के लिए आई बुरी खबर। अब श्रीलंका से इंग्लैंड नहीं होंगे रवाना, BCCI ने किया दौरा कैंसिल उनका। तो इसमें दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार BCCI ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि कृणाल पांड्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब ये खिलाड़ी भी हुए इस महामारी से संक्रमित। नाम जानकर इन सभी 5 खिलाड़ियों का आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार कौन कृणाल पांड्या की वजह से संक्रमित हुआ है खिलाड़ी, उनके नाम भी आपको बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ इस T20 मुकाबले को जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वहीं आज के इस वीडियो का हमने लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार को रात 8 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला था। लेकिन दोस्तों, इस मैच से ठीक पहले ही भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने निकल कर आ गई थी। दरअसल दोस्तों, ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पांड्या इस महामारी से पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद BCCI ने बिना कोई अपना वक्त गवाते हुए इस दूसरे T20 मुकाबले को स्थगित कर दिया था, जहां पर मंगलवार को होने वाले इस मैच को कैंसिल करना BCCI का एक बड़ा फैसला था। और वहीं दोस्तों, बाद में BCCI की तरफ से ये कहा गया था कि अब दूसरा मुकाबला 28 जुलाई यानी कि बुधवार को खेला जाएगा, लेकिन ये मैच कितने बजे होगा इसका ऐलान BCCI ने नहीं किया था। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी, जहां एक तरफ कप्तान शिखर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए ये भी कहा था कि भारतीय टीम में पहला T20 मुकाबला जीतने के बाद अभी भी मनोबल काफी ज्यादा है, जिसके चलते हम दूसरे T20 मुकाबले को जीतने के साथ ही तीसरे T20 में अपने नए नए युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे। हालांकि दोस्तों, दूसरा T20 मुकाबला हो नहीं सका, लेकिन आज ये दूसरा T20 मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि BCCI के एक अधिकारी ने ये स्पष्ट किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा T20 मुकाबला बिना किसी परेशानी के आज करवाया जाएगा, जहां पर इस T20 मुकाबले में जो खिलाड़ी कृणाल पांड्या के संपर्क में आए थे उनको बाहर किया जाएगा और भारतीय टीम में आज कुछ नए नए युवा कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये T20 मुकाबला आप सभी को लाइव दिखाई देगा सोनी नेटवर्क के चैनल्स पर। और वहीं अगर आप इस मैच का लाइव प्रसारण ऑनलाइन देखना चाहते हो तो आप सभी सोनी लिव और JioTV ऐप पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की कि आखिरकार आज भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम मैदान पर उतरेगी, तो दोस्तों जो गेंदबाजी में नाम निकल कर अब आता है उसमें शामिल होते हैं राहुल चाहर, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर। तो वहीं दोस्तों, बात करें मध्यम क्रम की, तो जो मध्यम क्रम में आज खिलाड़ी आप सभी को मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे उसमें नाम निकल कर आता है तीसरे नंबर पर ईशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव। तो वहीं दोस्तों, बात करें टॉप ऑर्डर की, जो टॉप ऑर्डर आप सभी को संभालते हुए दिखाई देंगे उसमें नाम निकल कर आता है शिखर धवन और देवदत्त पडिक्कल का। तो इसमें दोस्तों यही होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम। हालांकि अगर आज ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिलता तो उनकी जगह पर मनीष पांडे आप सभी को टीम में शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आपको क्या लगता है कि आज दूसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पृथ्वी शॉ का फुटवर्क अच्छा नहीं, अब इंग्लैंड में करेंगे संघर्ष। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहला मैच खेला जाएगा, जहां पर इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की कि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव जो वर्तमान में भारतीय टीम के साथ श्रीलंका के दौरे पर है, वह टेस्ट टीम में चोटिल खिलाड़ियों की जगह लेंगे। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सफलता मिलेगी या नहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी हां दोस्तों, सलमान भट्ट का कहना है कि पृथ्वी शॉ के पास इंग्लैंड में यह साबित करने का अवसर है कि क्यों कई लोग उनको इतना हाई रेट करते हैं, लेकिन वह इंग्लैंड में संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि उनका फुटवर्क इतना ज्यादा अच्छा कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों, यहां पर सलमान भट्ट ने काफी ज्यादा बुराइयां भी करी पृथ्वी शॉ की। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय
और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार को रात 8 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला था। लेकिन दोस्तों इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के स्पिन ऑलराउंडर कृणाल पांड्या इस महामारी से पॉजिटिव पाए गए और मंगलवार को होने वाले इस मैच को कैंसिल कर दिया गया। जी हां दोस्तों, बाद में बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया कि कृणाल पांड्या के इस महामारी से संक्रमित पाए जाने के बाद बीसीसीआई ये फैसला ले रहा है कि इस मुकाबले को अभी यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी बड़ी अपडेट थी क्योंकि पहले T20 मुकाबले में कृणाल पांड्या भारतीय टीम की तरफ से खेले थे और ऐसे में अचानक से उनका पॉजिटिव पाना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा और इससे काफी बड़े बड़े खिलाड़ी भी इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दे सकते। कोई अन्य खिलाड़ी इस महामारी से पॉजिटिव आ जाता है तो फिर दूसरे मैच का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो वही मेडिकल टीम ने यह साफ किया है कि कृणाल पांड्या 8 खिलाड़ियों के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में थे। जो 8 खिलाड़ी उनके साथ संपर्क में आए थे उनको अभी तक आइसोलेट भी कर दिया गया है। तो वही बीसीसीआई की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दूसरा मैच अब बुधवार को और तीसरा मैच 29 जुलाई यानी कि गुरुवार को ही खेला जाएगा। वहीं अब ये सवाल उठता है कि अगर कृणाल पांड्या के अलावा अन्य खिलाड़ी भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो शायद 28 तारीख का मैच कैंसिल कर दिया जाएगा, और जब 28 का मैच कैंसिल कर दिया जाता है तो 29 तारीख को किस तरह मैच करवाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव भी इससे प्रभावित होते हैं तो फिर किस तरह से इंग्लैंड दौरे पर वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जा पाएंगे, इस बात पर भी अब बीसीसीआई को काफी ज्यादा गौर करने की जरूरत है। दोस्तों आरटीपीसीआर टेस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार आगे के मुकाबले करवाए जाएंगे बीसीसीआई द्वारा या फिर नहीं। बाकी आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है क्या भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा T20 मुकाबला जल्द से जल्द करवाना चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अब इस दिन करवाया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में बचे हुए 2 T20 मुकाबले। बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने किया ये फैसला। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कृणाल पांड्या के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर इन दोनों ही क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लेते हुए बताया है कि ये जो दूसरा T20 मुकाबला है वो कल यानी कि 28 जुलाई को करवाया जाए। T20 मुकाबला करवाए जाने का फैसला बीसीसीआई ने लिया है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी बड़ी अपडेट है भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले 2 T20 मुकाबले को लेकर, और ऐसे में बीसीसीआई कोई भी इस शेड्यूल में बदलाव नहीं करना चाहता और जल्द से जल्द इस दौरे को खत्म करने की सोच रहा है बीसीसीआई। तो ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।